उट फॉर यू अनिल अंबानी जैकी श्रॉफ सचिन तेंदुलकर इजियरली आइडेंटिफाई नॉन है ज्यादा नॉन है आपको शायद इनके नाम जरूर सुने होंगे विनोद अडानी ये अडानी जी के एल्डर ब्रदर है किरण मजूमदार शॉक नीरा राडिया इनके भी नाम आपने सुने होंगे रेस्ट अगर आपने नाम नहीं सुने हैं दे आर पॉपुलर एंड दे रिच एंड द इन्फ्लुएंशियल पीपल समीर थापर अजीत केरकर सतीश शर्मा पूर्वी मोदी इकबाल मिर्ची ये सब वो लोग हैं जो लोग आपको यूजुअली टीवी पर आते हैं मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए बात करते हैं दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग और उसके बाद जब ये रात को घर चले जाते हैं तो अपना सारा का सारा पैसा जो अपने देश के लिए कमाते हैं वो बेसिकली देश के बाहर भेज देते हैं ताकि टैक्स बचाया जा सके हाउ डू वी नो दैट वेल well, रिसेंटली जो कि अगले कुछ हफ्तों तक ये चीज न्यूज साइकिल पे डोमिनेट करेगी दो इससे होप मत रखना क्योंकि इसका कुछ होना नहीं है हाउ डू वी नो दैट कम टू दैट पेंडोरा पेपर्स लीक इस शब्द को याद कीजिए पेंडोरा पेपर्स लीक बेसिकली द इंटरनेशनल कंजोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लीगल और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म से उनके खुद के जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं एंड दे हैव रिलीज्ड इट इन द पब्लिक वाज वाज दैट अ कॉन्फिडेंशियल डेटा उनको लीक कर दिया गया है इनको कहा जा रहा है पेंडोरा पेपर्स लीक बेसिकली बड़ी सारी सी लीगल और फाइनेंशियल फर्म्स जो कि टैक्स हेवं यानी कि पनामा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स यूएई ऐसे कंट्रीज में स्टेब्लिश होती है जहां पे पूरे वर्ल्ड के बिलेयर्स पॉलिटिशियंस रिच पीपल टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा छुपा देते हैं उन लीगल और फाइनेंशियल फर्म्स का डेटा इंटरनेशनल कंजोर्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को मिला एंड दे देव लीक द न्यूज़पेपर उस लीक्स को उस कंबाइंड 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को कह रहे हैं पेंडोरा पेपर्स लीक ये लीक जो है सारे के सारे फिनेंशियल रैकर्ड्स बेसिकली अलग अलग रिच पीपल बिले पॉलिटिशियंस पीपल हु मेक ट्रांजेक्शन आउटसाइड दी बॉर्डर्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज

एक पर्सपेक्टिव देगा टू एट एन इंडस्ट्री जो कि अल्ट्रा अल्ट्रावेल पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल और जो दूसरे अलग इलीट, इलीट होते हैं वो किस प्रकार से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को मनी को गवर्नमेंट से छुपाते हैं ताकि उसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े टैक्स अथॉरिटीज से प्रोसिक्यूटर से बचाने के लिए उसको कंसील करते हैं ब्लैक मनी के अंदर व्हाइट मनी के अंदर दर इज अ लॉर्ड ऑफ थिंग गोइंग ऑन हियर ये सारा का सारा पैसा ऑफशोर अकाउंट्स के द्वारा ऐसी टैक्स में लिया जाता है जहां पर बहुत कम टैक्स लगता है, पर लो टैक्स लगता है यूजुअली ये सब कुछ लीगल होता है ये बात ध्यान रखिएगा कि दिस इज नॉट अ डायरेक्ट लीगल जिनके भी जितने भी आपने नाम सुने हैं सचिन तेंदुलकर अनिल अंबानी उनके ऊपर अभी कोई क्रिमिनल रॉन्ग डूंग नहीं है प्राइमरली ये पैसा इधर उधर करना थोड़ा बहुत लीगली है बट इट जस्ट शोज कि किस प्रकार से हमारे देश के जो अल्ट्रा अल्ट्रावेल होते हैं जो हमें मोरालिटी सिखाते हैं हर शाम को वही रात को जाके वो किस प्रकार से टैक्स चोरी का या टैक्स इवेजन के लिए पैसा देश से बाहर कहीं और भेज कर कहीं और पार्क कर देते हैं जो कि टैक्स सेवन होते हैं जर्नलिस्ट ग्रुप ने कहा जिस जर्नलिस्ट ग्रुप ने ये डेटा लीक किया है 2.94 टेराबाइट्स ऑफ फिनेशियल एंड द लीगल डेटा अच्छा क्यों इसके बारे में आपको ज्यादा होप नहीं रखनी चाहिए अभी आपको पता चल जाएगा कि हमारे हीरोज बेसिकली अपने पैसे को कहां पर छुपा रहे हैं बट दैट कि ऐसे ही एक लीक 2016 में भी हुए थे यानी कि पांच साल पहले भी पेंडोरा पेपर्स के एनालॉजिकली पैनामा पेपर्स भी लीक हुए थे वो भी इसी प्रकार से एक फिनेंशियल फर्म थी पैनामा की जिसका बेसिकली कॉन्फिडेंशियल डेटा जो कि रिच लोग वहां पर किस प्रकार से ऑफशोर अकाउंट में अपना पैसा छुपाते हैं उससे रिलेटेड लीक किया गया था इट मेड न्यूज फॉर अ वाइल। उसमें जैसे अमिताभ बच्चन का नाम आया था बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस का भी नाम आया था बट बियॉन्ड दैट उस इन्वेस्टिगेशन को आगे कहीं ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है सो पेसिमिस्टिकली स्पीकिंग यू कैन अज्यूम कि पेंडोरा पेपर्स के साथ भी कुछ ऐसा होने की संभावना है बट फॉर नाउ बात यह है कि ये पेंडोरा पेपर्स ये बात बताने में सफल रहे हैं कि कैसे जो ये ऑफशोर मनी मशीन हैं ये पूरे के पूरे प्लेनेट पर कैसे काम करती है एंड इवन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यूएस यूरोप इंडिया इवन चाइना एंड रशिया नॉट द डेमोक्रेसी बट स्टिल बिग कंट्रीज कैसे अपना पैसा बाहर टैक्स सेवल्स में छुपाते हैं टू इवेड टैक्सेज और इसमें वर्ल्ड के मोस्ट वेल नोन बैंक और लीगल फर्म्स भी इन्वॉल्व है पैनामा पेपर्स 2016 में ऐसा पहली बार हुआ था कि ये जो ऑफशोर अकाउंट की जो डीलिंग होती है फाइनेंशियल डेटा होता है लीगल जो डेटा होता है ये लीक कर दिया गया था एंड दैट वाज लीकड बाय दी पैनामा पेपर्स

थे जो कि पिछले कई तक सिर्फ प्राइवेट थी इससे पता चला था कि ऑलमोस्ट एवरी हर पूरे के वर्ल्ड में हर देश के अंदर जो अल्ट्रा अल्ट्रावेल हैं, जो हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट हैं, यूजुअली कभी

टैक्सेस पे नहीं करते हैं लेकिन जो इंडिया का पैसा है उसको बाहर छुपा देते हैं दीज आर बेसिकली दी फाइंडिंग्स ऑफ दी पेंडोरा पेपर्स या इन्वेस्टिगेशन जिसमें वो वो नाम बताए गए हैं जिनको इंडियन बैंक्स को जो कई करोड़ रुपए ओन करते हैं कुछ इस समय जेल में भी हैं वो इन सारे एसेट्स को ऑफशोर कंपनीज में डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उनको ट्रेस ना किया जा पाए

बिजनेस मैग्नेट है इज द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस धीरूभा अंबानी ग्रुप इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अंबानी और एडीए ग्रुप की कम से कम इन पेंडोरा पेपर्स में पता चला कि 18 ऑफ़शोर कंपनीज हैं जर्सी में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में और सिप्रस में जो कि टैक्स सेवन है इंटरेस्टिंगली फरवरी दो में अनिल अंबानी का कुछ केस चल रहा था यूके में चाइनीज बैंक के साथ तो वहां पे अनिल अंबानी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो बिल्कुल बैंकअप टू मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है जीरो एसेट है मेरे पास कोई पैसा नहीं है हेंस आई विल नॉट बी एबल टू पे यू एनी मनी हमें इन पेंडोरा पेपर्स की वजह से पता चल रहा है कि इन्होंने ऑफशोर कंपनी में कुछ नहीं तो अपने 1.2 बिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली दस हज़ार करोड़ रुपए छुपा रखे हैं

लीक हुए थे 2016 में तो उसके तीन महीने बाद ही एक कंपनी थी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में जो कि सचिन तेंदुलकर के नाम से रजिस्टर्ड थी और जैसे ही पैनामा पेपर्स लीक हुए थे उसके तीन महीने बाद सचिन ने सचिन तेंदुलकर ने उस कंपनी को लिक्विडेट कर दिया था ऐसा बेसिकली अभी पेंडोरा पेपर्स में बताया गया है सचिन तेंदुलकर की वाइफ फादर इन लॉ भी बेसिकली डायरेक्टर्स हैं ऐसी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बेस्ड कंपनी के अंदर सास इंटरनेशनल लिमिटेड उसके नाम है अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ दिस इज द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर बींग लीक ठीक है वो जो ये पेंडोरा पेपर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्रकार से लीक है सो so, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे फिफ्टींथ डे ऑफ द जुलाई 2016 अब वो अप्रैल में पैनामा पेपर्स डिक्लेयर लीक हुए थे तीन महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली मई जून जुलाई के वाहन वो एक जो कंपनी सचिन तेंदुलकर जिसमें थे आ, पार्टनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसको बेसिकली लिक्विडेट करा दिया और इसी प्रकार के स्कैंड डॉक्यूमेंट्स पेंडोरा पेपर्स हैं ये लीक हैं इस समय मार्केट में नीरव मोदी इसके पास तो इमेजिन कर ही सकते हो तो मतलब ये तो कंप्लीटली पहले से ही देश से भागा हुआ पैसे लेके तो नीरव मोदी की सिस्टर ने भी बेसिकली एक ट्रस्ट ऑफशोर ट्रस्ट सेट की थी एग्जैक्टली exactly एक मंथ पहले जब वो कि इंडिया से पहले भागे थे इनका नाम अभी पेंडोरा पेपर्स में लिख हुआ है द ब्रदर ऑफ द बिलियनियर गौतम अदानी गौतम अदानी जी के जो बड़े ब्रदर हैं उनकी एक कंपनी सेटअप है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में तीन साल अगो बट उन्होंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्लेम किया कि ये कि कंपनी को बंद कर दिया गया है एंड दिस इज वेरी लॉजिकल इस समय कौन ही झूठ बोलता है ऐसी बातों में तो मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिशियंस या पावरफुल जो वेल्दी लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं सो so, कंपनी बंद हो चुकी होगी अब तक बायोकॉन फाउंडर किरण मजूमदार शॉ का भी नाम आया है पेनम पेंडोरा पेपर्स में ये एंटरप्रेनर है इनका नाम एक्चुअली में इनके हस्बैंड के कनेक्शन में जॉन मैकुलम मार्शल हु इज अ ब्रिटिश सिटीजन उनके कॉन्टेक्स्ट में आया है अभी रिसेंटली जॉन मैकुलम मार्शल जो थे ही वाज अ की पर्सन एसोसिएटेड विद अ ट्रस्ट उनको सेबी ने बार कर दिया था इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अगेन आगे None of टू रिपीट इट नन ऑफ देर अक्यूज ऑफ एनी क्रिमिनल सिर्फ और सिर्फ पेंडोरा पेपर के लीक है कुछ ट्रांजेक्शनल डेटा है उसमें जरूरी नहीं कुछ गलत है मोर और लेस कई सारी चीजें लीगल होती है कई सारी चीजें इलीगल होती है बट टू आइडेंटिफाई दैट टू इन्वेस्टिगेट दैट द एजेंसीज एंड द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज विल नीड टू टेक तो इस समय सिर्फ और सिर्फ मैं वो आपको बताऊं कि पेंडोरा पेपर्स के जो डॉक्यूमेंट लीक है उनमें नाम किस किस uh, बड़े इंडियन पॉपुलर uh, या फिर जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशल लोग हैं उनके नाम आए उसके बाद जैकी श्रॉफ का भी नाम आया है एक प्राइम बेनिफिशियरी थे एक ट्रस्ट सेटअप हुई थी न्यूजीलैंड में उनकी मदर इन लॉ के द्वारा और उनका नाम इसमें आया है ट्रस्ट का एक स्विस बैंक अकाउंट भी है उसकी कुछ ऑफशोर कंपनीज भी हैं जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में सारे के सारा पैसा इंडिया का जो पैसा है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में जा रहा है लगता है सिमिलरली ऐसे कई सारे और नाम अभी लीक होने वाले हैं बट आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पर जब कोई बहुत बड़ी करप्शन इतना पैनामा पेपर्स जैसा या पेंडोरा पेपर्स जैसा जिसमें होल इलीट एवरी वन इलीट जब हर पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट मूवी स्टार्स क्रिकेट सुपर स्टार्स सबके सब, सब इन्वॉल्व होते हैं सो यू कैन इमेजिन की बेसिकली क्या होगा बट दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू कि जब ये लोग आपको अपने देश के लिए काम करने के लिए बोलते हैं या फिर आपको अपने ड्रीम्स को फिलफिल करने की जो मोटिवेशन देते हैं उनको ऑलवेज टेक अवे द पिंचव टू वर्क ऑन योर ओन इंस्टेड एक्चुअली टू दम दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन से ग्रीड विच डिप्राइव दोसाइटी विच इंक्रीजेज द इन इक्वेलिटी ये जो टैक्स रेवेन्यू जो डिप्राइव होता है जो कि फिनेंस किया जा सकता है प्रोग्राम को प्रोजेक्ट को एजुकेशन को इफ यू थिंक देर इज ए हॉस्पिटल मिसिंग इन योर होम और मिसिंग इन योर डिस्ट्रिक्ट दिस इज द रीजन क्योंकि आप और हम उन पॉलिटिशियंस को इन सुपर स्टार्स को बेसिकली अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाते दिस इज वेयर आवर मिसिंग हॉस्पिटल दिस इज वाई प्राइमरी स्कूल टीचर्स दिस इज वाई दे डू नॉट गेट पेड वेल दिस इज वेयर दो तभी उनकी सैलरी कम है तभी दे आर रिच एंड अल्ट्रा वेल्दी बिकॉज दे आर एक्चुअली वो टैक्स चोरी कर रहे हैं टू बी मोर प्रिसाइज वेन एवर पॉलिटिशियंस और बिजनेस लीडर क्लेम्स की कुछ पैसा नहीं है क्लाइमेट डैमेज बचाने के लिए इनोवेशन के लिए दिस इज वेर दे एक्चुअली नीड टू लुक दिस इज पैंडोर पेपर दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी आने वाले दिनों में काफी दिनों तक आएगी एंड देर आर फ्यू मोर नेम्स प्रॉबेबली पॉपुलर नेम्स विच इल एक्चुअली बी लीग एंड डिक्लेयर्ड बाई द न्यूज पेपर्स सो डू फॉलो अप द स्टोरी फॉर इट यू कैन फाइंड मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो आई एम ऑन माई सोशल मीडिया